शिवपुरी जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार आफत की बारिश का दौर जारी है। इससे कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी नालों में उफान आने से कई रास्ते बंद हैं। गांवों में पानी भर गया है। कई गांव टापू बन गए हैं। बड़ी संख्या में मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। मवेशी भी बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। कई जगह खेतों में पानी भर जाने से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पोहरी बैराज क्षेत्र के सभी तालाब रात भर हुई बारिश से ओवरफ्लो हो गए हैं। पलौदा तालाब खतरे के निशान से ऊपर तक भर गया है, जिससे आसपास के गांवों में भय व्याप्त है। और शिवपुरी हाईवे पर स्थित कुनो नदी के पुल से 12 फीट ऊपर पानी जा रहा है। इससे शिवपुरी का श्योपुर जिले से संपर्क कट गया है। वहीं पार्वती नदी के उफान पर आने से मर्रका, हरई, गोंदौलीपुरा के साथ ही बुड़ता गांव में घरों में पानी भर गया है। मर्रका, गोंदौलीपुरा और हरई गांव पूरी तरह से टापू बन गए हैं। अपर काकेटू डैम लबालब भर जाने के कारण डैम के सभी गेटों को खोल दिया गया है। पौरी एसडीएम राजन बी नाडिया, एसडीओपी निरंजन सिंह राजपूत की टीम के साथ बाढ़ प्रभावित गांव के दौरे पर पहुंचे हैं।